चलिए। हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, है ना। अब दीपावली आने वाली है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, बट हमारा एसए वन का सिलेबस भी स्टार्ट होने वाला है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। एडेप्टेशन का मतलब है प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए इन एवरी कंडीशन, इन एवरी क्लाइमेट, है ना, या प्लेन्स हो या डेजर्ट हो या वाटर हो, हिल्स एरिया हो, कुछ भी हो, उसमें वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं और क्या क्या उनमें चेंजेस आते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो, द प्लांट किंगडम हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन डिफरेंट एनवायरनमेंट लाइक प्लेन्स, माउंटेन, डेजर्ट्स एंड इन वाटर। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने से पहले अपनी बुक स्टडी करनी है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। अच्छा, पहले जैसे हम बोर्ड पे करते थे ना, तो बोर्ड पे पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दीज प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे गैट डिफरेंट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल टू ग्रो। देखो, सॉइल अलग अलग है सब जगह टेम्परेचर अलग है ना। कोई प्लांट्स प्लेन पे उगते हैं, कोई प्लांट्स हिल्स पे उगते हैं, तो वो सब अपन स्टडी करते हैं। द स्पेशल फीचर दैट हेल्प प्लांट टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर एरिया दे आर फाउंड आर देयर हैबिटेट। जहाँ पर वो मिलते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो मिलते हैं, वो उसका हैबिटेट होता है। सो डेजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ कैक्टस प्लांट एज दे आर फाउंड देयर, वाइल अ पॉन्ड इज द हैबिटेट फॉर लोटस प्लांट एज दे आर फाउंड देयर, है ना। तो लोटस प्लांट आपको पानी में मिलता है, तो वाटर उसका हैबिटेट है, और कैक्टस प्लांट आपको डेजर्ट में मिलता है, तो डेजर्ट उसका हैबिटेट है। तो चलिए, अब सबसे पहला है अपना टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो लैंड पर उगते हैं, यानी कि चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे हिली एरियाज हो, है ना, चाहे डेजर्ट हो, चाहे वेट एरियाज हो, वेट एरिया मतलब जहाँ पर दलदल है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, तो उन सब प्लांट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। चलिए, अब वो प्लांट्स जो प्लेन्स में उगते हैं, जैसे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं, सब तरीके के प्लांट्स उगते हैं प्लेन्स में। अब उनका जो प्लेन्स का जो वेदर कंडीशन होता है, रेनफॉल होता है, वो अलग अलग होता है। तो उनकी जो लीव्स होती हैं, वो ब्रॉड होती हैं और फ्लैट होती हैं। दे हैव लॉट ऑफ स्टोमेटा, वहाँ पर बहुत सारे उनकी लीव्स पर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं वाटर को इवॉपरेट करने के लिए। दिस अलाउड द ट्री टू कीप कूल इन हॉट वेदर, जिसकी वजह से वो हॉट वेदर में भी ट्रीज क्यों वो है कूल रहते हैं। जैसे पीपल है, नीम है, शीशम, ये सब ट्रीज आपके उगते हैं प्लेन्स पर। चलिए, अब है प्लांट्स इन हिली एरियाज। अब हिली एरियाज में कौन से प्लांट्स उगते हैं, वो प्लांट्स जो देखो आप फिगर में देख रहे हो कौन शेप के होते हैं, है ना, ऐसे प्लांट्स जो कौन शेप के होते हैं वो हिली एरियाज में उगते हैं, उनको कॉनिफेरस प्लांट्स बोलते हैं। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल शेप होती हैं। क्यों? क्योंकि हिल्स पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, पानी बहुत आता है, तो बर्फ़ उनकी पत्तियों को रॉट ना करे, यानी सड़ाए नहीं, गलाए नहीं, इस वजह से उनकी जो पत्तियां होती हैं वो निडल शेप की होती हैं, जिससे जल्दी से स्नो और वाटर जो है वो स्लिप हो जाता है उनकी पत्तियों से, ठीक है। चलिए, अब आगे हैं प्लांट्स इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे कैक्टस है, पाम है, है ना, बबूल है, ये सब जो प्लांट्स हैं वो डेजर्ट में उगते हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता, तो वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं। अब जैसे कैक्टस है, तो कैक्टस में आपने लीव्स नहीं देखी होंगी, तो लीव्स उनकी जो होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो जो स्टेम होता है उनका, वो फ्लैशी होता है, मानी मोटा जैसा होता है, मोटा मोटा होता है, और उन्हीं वही स्टेम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करता है, है ना, वही फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट्स के लिए फूड बनाता है, कैक्टस के लिए प्लांट फूड बनाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है प्लांट्स इन वेट एरियाज, यानी कि वो प्लांट्स जो जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर जो उगने वाले प्लांट्स होते हैं उनको एवरग्रीन प्लांट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्तियों को कभी भी थ्रू आउट ऑफ द ईयर वो ग्रीन रहते हैं, और अपनी पत्तियों को कभी भी शेड
नहीं करते, यानी कि उनकी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती हैं, हर समय उनकी पत्तियाँ हरी रहती हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, रबर ट्री है ना, ये सब जो प्लांट्स हैं ये वेट एरियाज में उगते हैं। अब है प्लांट्स इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया नहीं, सुंदरबन एरिया, जहाँ पर दलदल होता है, पानी पानी तो नहीं होता ना, मिट्टी जो होती है उनकी बहुत ज़्यादा गीली होती है। ओके, दलदल बोलते हैं ना जिसको, वो तो मार्शी एरियाज हैव स्टिकी एंड क्लेली सॉइल, है ना, उनकी जो स्टिकी और क्लेली सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है, दिस सॉइल अलाउ वेरी लिटिल एयर। अब ये बहुत चिपचिपी मिट्टी होती है तो इसके अंदर एयर नहीं आ पाती, इसलिए जो उनकी रूट्स होती हैं उनको वो सांस नहीं ले पाती, है ना, ब्रीथ करने में नहीं कर पाती। तो इनमें क्या एडेप्टेशन होता है, इनमें कौन सा फीचर नया आता है, इनमें ब्रीदिंग रूट्स निकल आती हैं जमीन के ऊपर ऊपर, जमीन के ऊपर ऊपर ब्रीदिंग रूट्स निकल आती हैं जिनसे वो सांस लेते हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स। अब है प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। आप देखो, कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर जो प्लांट्स होते हैं या ओशन के किनारे पर जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा रेन आती है वहाँ पर। तो इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो सीड होते हैं, वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्री। अब हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि वो प्लांट्स जो पानी में उगते हैं, है ना, पानी में उगते हैं। जैसे सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोट ऑन वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। अब वो कैसे होते हैं, वो लाइट होता है ना, स्पॉन्जी होते हैं, है ना। तो देयर प्लांट्स कैन, दीज प्लांट्स कैन फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर स्मॉल और लाइट इन साइज। वो क्या होते हैं, या तो छोटे होते हैं या फिर बहुत छोटे साइज के होते हैं और स्मॉल होते हैं। अब देयर लीव्स आर कोटेड विद वैक्स, है ना, जो उनकी लीव्स होती हैं वो वैक्सी कोटिंग होती है, और उनके स्टोमेटा जिससे उनके डू नॉट गेट ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक नहीं होते। सच प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, इनको फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि वाटर हाइसेंथ और ब्लैडरवर्ट। नेक्स्ट है फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी के तले तक, नीचे तक फिक्स रहते हैं, जैसे कि लोटस हो गया और हाइड्रिला हो गया, है ना, फिक्स रहते हैं ये। इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे जा कर के फिक्स रहती हैं, और इनकी स्टेम होती है वो हॉलो होती है और लाइट होती है। ओके, चलिए, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं। अब है सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज यानी जो पानी में डूबे रहते हैं, कम्प्लीटली डूबे रहते हैं, जैसे कि वेलिसनेरिया और टैप ग्रास, है ना। देखो, ये देखो फिगर बनाए, वेलिसनेरिया और टैप ग्रास, आप इनकी देख रहे हो कैसे। तो ये ऐसे जब बहुत तेज पानी आता है तो ये ऐसे फ्लोट करती हैं, पानी के बिल्कुल अंदर रहती हैं, स्विंग करती रहती हैं पानी के अंदर। और दीज प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, इनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता। और ये ना जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है उसी से ही अपना पूरा काम करते हैं, यानी ब्रीथ भी उसी से करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी उसी से करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जो ग्रीन तो होते हैं, है ना, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी कैरी आउट करते हैं, बट उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी सॉइल में ये उगते हैं, और ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा करके उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, इनको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, इस वजह से इंसेक्ट्स को खाते हैं, ना, स्मॉल एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, लाइक पिचर प्लांट, जो पिचर की शेप में होता है, यानी मटकी की शेप में होता है, और जैसे, और इसके अंदर जो पत्ती होती है वो लिड के फॉर्म में कन्वर्ट, आगे की पत्ती का जो शेप होता है ना, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ढक्कन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठता है, वो ढक्कन क्लोज हो जाता है, और धीरे धीरे प्लांट्स उसके न्यूट्रिएंट, इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप भी इंसेक्टिवरस प्लांट्स है। इसकी जो शेप होती है वो टू फ्लैप जैसी होती है, देखो देख रहे हो, टू शेप फ्लैप होते हैं इसके अंदर, और आपको दिख रहे हैं ये कांटे जैसे, जब भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठता है ये इसके कांटों में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और ये वो उड़ नहीं पाता, और इस तरीके से पूरे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। संडियो इज अनदर इंसेक्टिवरस प्लांट। संडियो भी एक इंसेक्टिवरस प्लांट है। आई होप आपको पूरा चैप्टर जब आप रीड करोगे तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ओके, चलिए।